मुकदिया ने जाना पै गया शामानी हूं याद तेरी ने आ जाना तू कढ़ लिया जाना नी तेरे बिना असा मर जाना पै everyone welcome back to the channel it's me and for today's video it's going to be extended part of episode first aaj main school gayi thi and literally I could rant whole day about school but let's not do that and start the video so mera mood pehle se hi kharab tha to maine apne aap ke liye banayi chai एंड उसके बाद मैं टेरेस में गई थी घूम रही थी ताकि मेरा थोड़ा मूड सही हो बट हो ही नहीं रहा था फिर लास्ट में मैंने खाया कुछ समोसे इसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी एंड मैंने शुरू किया मैथ्स से मैथ्स में मैं पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन कर रही थी क्योंकि हाफ ईयरली आने वाले हैं इसलिए मुझे रिवाइज करना है तो मैं सोच रही थी चलो कुछ नए क्वेश्चंस भी हो जाएंगे एंड मेरा रिवीजन भी हो जाएगा इसके बाद मैंने किया था केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में तुम लोगों को पता ही होगा कि मैं अभी कर रही हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वही वाला कर रही थी एंड आज मुझे कुछ क्वेश्चंस करने थे और उसके साथ साथ कुछ थ्योरी पार्ट भी करनी थी मैं वही कर रही थी तुम लोग कह सकते हो कि यह एक नाइट स्टडी व्लॉग है क्योंकि देखो मैंने मैथ्स बस पहले करी थी एंड उसके बाद मैं जो केमिस्ट्री कर रही थी वो रात ही को कर रही थी मैंने थोड़ी ब्रेक लिया था केमिस्ट्री के बीच में उसमें मैंने अपनी बॉटल रिफिल करी एंड इट वाज अराउंड 10:07 और मैं दोबारा पढ़ने बैठ गई देखो तुम लोगों को मैं बताऊँ तो जैसे रिएक्शंस में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने प्रैक्टिस की एंड मुझे रिजल्ट दिखा मतलब कि अब मैं काफ़ी अच्छा कर लेती हूँ जो कि अगेन एक अच्छी बात है सो यर आई एम डन विद द केमिस्ट्री पोर्शन अब मैं करूँगी मैथ्स वाला सैम्पल पेपर जो कि मैंने कल आधा किया था सो उसको मैं आज कंप्लीट करने वाली हूँ एंड मैं तुम लोगों को बताऊँ कि मैंने ये क्वेश्चन पेपर किया सैम्पल पेपर आई मीन किया एंड मैंने देखो सेक्शन बी कर लिया सी कर लिया बट जो सेक्शन डी थे 5-5 नंबर वाले उनमें से मुझे कोई नहीं आ रहे थे जो कि अगेन एक बैड न्यूज़ है क्योंकि मैंने पूरा मैथ्स का सिलेबस कर चुकी हूँ तो मुझे आने चाहिए बट नहीं आ रहे थे या तो मैं कंसंट्रेशन लैक कर रही थी तो मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे थे या फिर मैं मिस कर रही हूँ जो कि मुझे बहुत भारी पड़ सकता है इसलिए मुझे अभी कॉन्सेप्ट अपने और मजबूत करने पड़ेंगे बाय द वे गाइस तुम लोगों के हाफ ईयरली कब से हैं मैंने देखा कुछ लोगों के शुरू हो गए हैं सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स हाँ फोड़ देना यार क्या ही है और हाँ तुम लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है ये भी बताना और जो भी बताना बता सकते हो या फिर मुझे कॉन्टेंट सजेशन दे सकते हो कि मैं क्या करूँ कौन सा चैलेंज करूँ दे सकते हो मैं ट्राई करूँगी करने का और आई नो बहुत फंबल हो रहा है सो सॉरी फॉर दैट अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बोलूँ क्या इसलिए टाइम लैप्स है देखो हियर आई वॉज फीलिंग सो स्लीपी बट आई वॉज लाइक कि ये कर लेते हैं फिर सोते हैं सो इट्स अराउंड 12:11 एंड आई एम डन विद द सैम्पल पेपर पोर्सन जैसा कि मैंने बताया ही कि मुझे सेक्शन ई में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इसलिए मैं उसको बाद में देखूंगी एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे आई होप यू लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बाय